नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 10 तारीख से आपके राजस्थान पटवारी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और एडमिट कार्ड भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये होगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है लगभग खालिस्तान होती है। ऑप्शन बी 380 से 420 nm। अगला है मक्खन खालिस्तान का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी मक्खन जो होता है वो पायस का उदाहरण होता है। अगला है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे, तो गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा एप्सम सॉल्ट। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गाइस देखिए ये की थी ऑप्शन सी सर विलियम मुइर ने। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत। और वर्ष 1930 में सीवी रमन ने खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है, ऑप्शन बी बीस्टली टेल्स। रक्त समूह प्रणाली की खोज खालिस्तान ने की थी, ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को खालिस्तान कहा जाता है, ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है, ऑप्शन सी मनामा। अगला है, खालिस्तान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ऑप्शन बी मीरा कुमार। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, तो गाइस ये हुआ था ऑप्शन डी मेरठ। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन बी उद्दंत मार्तंड। और इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था, ऑप्शन बी लर्मा रोजो। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, तो ये किया था ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव। अब देखिए, ये प्रैक्टिस सेट आपका नंबर 1 था और पूरा का पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। तो गाइस देखिए, इसका अगला जो क्वेश्चन है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री खालिस्तान थे, तो ऑप्शन सी बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, ऑप्शन ए नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है, ऑप्शन सी पराग कोश। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, ऑप्शन बी कोकस।
द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन डी पिक्नोमीटर का। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी परमवीर चक्र। माय पैसेज फ्रॉम इंडिया खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो ऑप्शन डी इस्माइल मर्चेंट। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 5 जून को। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी सर फ्रैंक विट्टल ने किया था। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? ऑप्शन ए राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? ऑप्शन डी घुमरा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? तो ऑप्शन डी फिलीपींस। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें खालिस्तान महिलाएं शामिल थीं? तो गाइस ऑप्शन सी 15। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान ने की थी? तो ऑप्शन सी अस्पाकुल्ला खां। ओके। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन बी पुर्तगाल। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी खालिस्तान द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन बी चीन के द्वारा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन बी अग्नाशय। जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? ऑप्शन सी राव सिहा। और निम्नलिखित में कौन बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन सी राम नारायण चौधरी। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तो ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? ऑप्शन सी राम नारायण चौधरी। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? ऑप्शन ए मान सिंह। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? तो ऑप्शन डी विजय स्तंभ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला था? ऑप्शन सी नसीराबाद। राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? तो गाइस ऑप्शन ए कन्हैया लाल सेठिया ने की थी। और राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है? तो ऑप्शन बी किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ वगैरह नील गाय चीतल रीछ जरख व चिकारा आदि पाए जाते हैं? ऑप्शन डी नाहरगढ़
अभयारण्य। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व। अगला है, अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन सी शेर या सिरोही। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह शहर है? ऑप्शन डी जोधपुर। राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज है? ऑप्शन सी अपरक। अगला है, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। सूची एक में आपकी सहायक नदी है और सूची टू में नदी है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला देखिए वाकल है, वाकल का हो जाएगा तीसरे से साबरमती, फिर है परवन, इसका हो जाएगा काली सिंध, फिर है जबाई, इसका हो जाएगा पहले से लोनी, फिर है सोम, सोम का हो जाएगा दूसरे से माही। कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है? तो ऑप्शन बी सांगानेर में। बनास नदी पर कौन सा बांध है? ऑप्शन सी बीसलपुर बांध। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? ऑप्शन डी राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी वसा के संग्रह के लिए करता है। पद्म भूषण जगजीत सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन सी श्री गंगानगर। राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा थी? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब पगड़ी, अंगरखियां, दुपट्टा। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी किराडू मंदिर। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आर्द्रता। वह नदी जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है? तो ऑप्शन सी माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति ग्रह रावत भाटा स्थित है? ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन बी हनुमानगढ़। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए वर्ष 1949। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी ये वाला सही नहीं है, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। पहला कथन है राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। दूसरा है राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान। और सी है संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला है जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है? ऑप्शन ए जिलाधीश। अब है हिंदी के क्वेश्चन, नैसर्गिक का विलोम शब्द है? तो ऑप्शन सी कृत्रिम। उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन सी उत्थान घाटन। एकाएक में कौन सा समास है? तो एकाएक में समास हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। यमुना का पर्यायवाची है? तो यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन डी ये सभी, कालिंदी, अर्कजा और सूर्यतन्या। अगला है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी ईर्ष्या से जल उठना। सही शब्द को चुनिए, छांटिए। तो ऑप्शन बी अनिष्ट। अनिष्ट आपका सही है, अनिष्ट को ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन ए तुलसी की कविता में माधुर्यता है। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी परा उपसर्ग। और बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी आबा। और जिसकी चिंता ना हो उसे खालिस्तान कहते हैं? तो ऑप्शन बी अचिंत्य। विमुक्त करना या छूट देने के लिए उपयुक्त शब्द है?
तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।